इस टॉपिक के अंदर हम आ, बड़ी एक इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो कवर करने जा रहे हैं दैट इज खसरा प्लान अक्सर हमारा आ, वास्ता इन प्लान से पड़ता रहता है अगर आप कभी किसी पटवारी के दफ्तर नॉर्मली हम डोमिसाइल्स बनवाने जाते हैं तो वहाँ पे हमें लाजमी नज़र आता है या कभी कोई ज़मीनों के अगर हम मामला देखें अदालतों में जाएँ तो वहाँ पर अक्सर हमें खसरा प्लान्स के वास्ता पड़ जाता है और बहुत दफ़ा ये टर्म भी आपने सुनी होगी कि हमारा घर जो है वो कौन से खसरा नंबर में आता है तो हम क्विकली जो है वो देखेंगे कि खसरा प्लान एक्चुअली अगर हम समराइज़ करें वैसे तो इसका बहुत रे, रेवेन्यू की टर्म्स हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर इसके बहुत सारे एसोसिएटेड तो एक बहुत लंबी ये स्टेट मैनेजमेंट जो है जिसको हम कहते हैं नॉर्मली अथॉरिटीज़ के अंदर एक डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करता है अगर आप अपने म्यूनसपल जो आपकी कमेटी है वहाँ पर भी जाएंगे तो आप देखेंगे कि रेवेन्यू के लोग मौजूद होते हैं तो इसको डील करते हैं इसके साथ एसोसिएटेड काफ़ी सारे जो है वो टर्म्स होती हैं हम क्विकली अगर खसरा खसरा प्लान को बहुत क्विक एक्सप्लेन करें इन शॉर्टर फॉर्मेट तो ये एक्चुअली ज़मीन की जो है वो मुरबाबंदी जिसको हम कहते हैं उसके लिए हमें यूज़ होता है ज़मीन के कैलकुलेशंस के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं आपका घर कौन से खसरा नंबर में है नॉर्मली जो है वन एकड़ अगर हम प्रॉपर जो हमारे स्क्वेय खसरा होते हैं हम देखते हैं अभी कि खसरा की कौन सी साइज साइज मौजूद होते हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म हो सकता है आपको आने वाले जो आपकी लाइफ है बाजुकात आपका क्लाइंट आपको ख़सरा प्रोवाइड कर देता है और वो कहता है कि इस खसरा को आप डिजिटाइज़ करें यानी इस खसरा प्लान को आप लेकर जाएं ऑटो कैड में और जहाँ जहाँ जो लाइंस लगी हुई हैं जो फीचर्स इसके अंदर मौजूद हैं वो सारे फ़ीचर आप कैड के ऊपर ड्रा करें और सिर्फ यही नहीं वो आपको साथ ये भी कह देता है कि जो इस ये इस खसरा का जो स्केल है वो सेम स्केल आप ऑटो कैड पर भी जाके करें तो हम देखते हैं कि हम खसरा प्लान आपको शो भी करवाते हैं उसके थोड़े सी हम डेफिनेशन भी देख लेते हैं और क्विकली हम उनकी टाइप्स देखते हैं और इसके साथ एसोसिएटेड बहुत ही एक इंपॉर्टेंट हम इसके अंदर जो है वो कमांड करने जा रहे हैं वो है कि करप्ट फाइल हो सकता है बज दफ़ा हम जब वर्क कर रहे होते हैं और हमारी ड्राइंग बहुत हैवी हो जाती है कॉम्प्लेक्स हो जाती है ड्राइंग फॉर एग्ज़ाम्पल करप्ट हो गई अक्सर फाइल्स सुनते हैं सॉफ्टवेयर में करप्ट हो गई हैं तो आपने घबराना नहीं है इन केस अगर ये फ़ाइल हमारी करप्ट हो भी जाए तो हमारे पास बैकअप मौजूद होता है हम देखते हैं कि हम किस तरह उस फाइल को दोबारा रिकवर कर सकते हैं तो बढ़ते हैं कैड की तरफ और इन दोनों कमांड्स को हम इस्तेमाल करके देखते हैं तो हम बात कर रहे थे खसरा प्लान की तो हम क्विकली जो है वो यहाँ पे ओवरव्यू कर लेते हैं खसरा प्लान को और फिर हम हॉटो कैड के अंदर इस्तेमाल करके भी देखते हैं सो खसरा प्लान हमने देखा कि ये एक्चुअली एक रेवेन्यू की टर्म है जो हमें एरिया कैलकुलेशन जब हम कर रहे हों यहाँ वहाँ पर हमें इस्तेमाल में काम आती है सो ये इस तरह के खसरा प्लान्स हमें नॉर्मली मिलते हैं इस तरह का भी मिल सकता है इस तरह का भी मिल सकता है अब ये कोई रोड है और उसके साथ ही हमारे पास खसरा नंबर्स हैं जो हमारा घर चाहे वो अर्बन एरिया में है या चाहे हमारा घर रूरल एरिया में है हमेशा उसका एक ख़सरा नंबर मौजूद होता है वो कहाँ से पता चल सकता है अगर आप अपने इलाके के पटवारी जो आपके या गिरदावर जो ये डील करते हैं आप अगर वहाँ जाएंगे तो वहाँ आप इजीली आप अपना घर का जब लोकेशन बताएंगे तो वो आपको इसका खसरा नंबर ज़रूर बता दें खसरा नंबर हमारा जो है मलकियत एक्चुअली को इसको शोकार होता है कि मेरा घर जो है वो फलां खसरा नंबर के अंदर मौजूद है यानी मेरी मलकियत उस खसरा की है ये खसरा जो है इस टर्म को जब मुग़ल दौर के अंदर हमारी लैंड की मैपिंग हो रही थी जिसके अंदर एक हम टूडरमल का नाम भी देखते हैं तो मुख्तलिफ़ मैपिंग में वहाँ पे इस टर्म को जब इंट्रोड्यूस करवाया गया और ये टर्म मेनली प्रॉपर्टी मेजरमेंट्स और ताकि इसके कन्फ्लिक्ट कम से कम हो जाएं तो अब हम देखते हैं हमारे पास ये खसरा का हमने देख लिया कि जब भी हमें कभी ख़सरा मिलेगा हम सबसे पहले क्या करेंगे उस खसरा प्लान की बाउंड्री ड्रा करेंगे और इसके बाद हम उस खसरा को डिजिटाइज़ करेंगे अभी हम डिजिटाइज़ करना भी देखते हैं कि डिजिटाइज़ करना क्या होता है डिजिटाइज़ करना मीन्स ये जहाँ जहाँ लाइन्स क्योंकि अभी तो ये इमेज है ये जहाँ जहाँ जो लाइन मौजूद है उसी लाइन को हम एज़ इट इज़ कैड के अंदर ड्रा करेंगे उसके बाद बेशक हम इस प्लान को डिलीट भी कर दें तो हमारा काम चलता रहेगा कैड के अंदर हम करके देखते हैं इसके साथ हमारे पास दो तरह के खसरा प्लान हमें नॉर्मली मिलते हैं एक हमारा इस्तेमालशुदा खसरा होता है खसरा जो हमारे प्लान हैं इसमें इंडिविजुअल खसरा का साइज बहुत डिफरेंट होता है अगर आप नोट करें अब ये साइज देखें अब ये साइज देखें आप ये साइज देखें तो हर खसरा का एक अपना ही साइज़ है और इसके बाद जब हम इसको डिजिटाइज़ करेंगे इसका मतलब है जब हम ये बाउंड्रीज खुद लगा लेंगे तो फिर हम ऑटो कैड के अंदर बता सकते हैं कि किस खसरा का कितना एरिया है हम ऑलरेडी एरिया देख चुके हैं कैलकुलेशन तो अब हम जैसे ही इसको अगर लगा चुके हो तो हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं उसके साथ हमारे पास जो दूसरी टर्म है दैट इज़ किश्तवार जिसमें प्रॉपर मुरबा बंदी हुई होती है अगर आप नोट करें तो बहुत ही आपको एक अट्रैक्टिव और फैसिनेटिंग किस्म के ये खसरा नज़र आ रहे हैं और ये अगर आप नोट करें तो बिल्कुल प्रॉपर बंदी है इसके अंदर इक्वल साइज़ के खसरा प्लान हैं और रेगुलर साइज़ खसरा जो है वो वन एकड़ का है तो ये दो तरह के टाइप्स जो है वो आपको इनसे वास्ता पड़ता है आप ज़्यादातर जो ओल्डर एरियाज़ में नॉर्मली बाजा ये वाले खसराज होते हैं और आपके जो कुछ प्लान एरियाज़ हैं तो ये इस तरह हम इस खसरा प्लान को अब हम आ जाते हैं कैड में और ये एक्स वाई इसको हम क्विकली अपने जो है वो यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम को यहाँ से ऑफ़ कर देते हैं तो ये हमारी ड्राइंग है जिसको हमने कंप्लीट किया है ये हमारी फ़र्स्ट थी और ये हमने हमें चैम्फर और फिलिट इसको हम यहाँ से फ़िलहाल क्विकली डिलीट कर देते हैं और अब हम यहाँ पे खसरा प्लान को लेकर आते हैं जो कि हमारे पास मौजूद है इस लेक्चर की जब आप एल के अंदर देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको ये सेम खसरा मिलेगा आप इस खसरा को वहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं तो अगर आपको याद हो तो हमने आ, स्टार्ट वाले जो हमारे टॉपिक्स थे जब हम इंसर्ट कमांड में वर्क कर रहे थे तो वहाँ पे हमारे पास हमें देखा था कि रास्टर इमेज रेफरेंस की ऑप्शन मौजूद थी एक्चुअली ये जो हमारा खसरा है या हमारी कोई भी पिक्चर होती है या कोई भी स्कैंड इमेज जो हम लेकर आते हैं ये सारे रास्टर इमेज होते हैं इनफैक्ट तो अब हम क्या करेंगे हम खसरा प्लान को लेकर आते हैं कैट के अंदर और फिर हम इस पर वर्क करते हैं सो मैं जैसे ही इंसर्ट में गया रास्टर इमेज रेफरेंस में यहाँ पर जहाँ पे भी आपका खसरा पड़ा है फिलहाल खसरा को मैंने ये अपने डेस्कटॉप के ऊपर ये जो है इमेज जीरो जीरो सेवन नाइन के नाम से रखा हुआ है अब मैं जैसे ही इसे ओपन करता हूँ और ओके करते हैं तो ये हमारे पास आप इसको जो है वो ओपन करें और जहां तक आप इसको जितना साइज बनाना चाह रहे हैं जहां भी आप क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ये जी अगर आप नोट करें तो दिस इज़ खसरा प्लान और ये जो है एक स्कैंड खसरा प्लान है जिसके ऊपर अगर आप देखें तो ये काफ़ी क्योंकि रेवेन्यू टर्म्स हैं तो बाज़ुकात ये मुश्किल अल्फाज होते हैं मसावी शजरा में पैमाइश मुस्ततील आ, जो है वो मौजा बाबू साबू ये लाहौर के पास का एक खसरा है सो और ये इसके करम है ये उसका साइज होता है वन एटी बाय टू हंड्रेड समथिंग ये करम जो है इसकी भी हमें बात कर लेते हैं कि करम क्या होता है करम एक रेवेन्यू की टर्म है दो स्टेप्स जो हैं जब हम इकट्ठे लेते हैं तो ये एक करम बनता है अक्सर आपने सुना होगा ये बहुत एक कॉमन टर्म है जो हम इस्तेमाल करते रहते हैं कि ये कितनी करम है ये जगह अब करम का जो साइज़ है नॉर्मल इस साइज के दो तरह के साइज़ एग्जिस्ट कर रहे हैं जब हम अर्बन एरियाज़ में लाहौर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम करम को फाइव फ़ीट के बराबर लेते हैं अगर नॉर्मल आप दो स्टेप लें तो एक नॉर्मल स्टेप लेंथ जो हमारी होती है वो तकरीबन टू पॉइंट फाइव फ़ीट होती है ढाई फीट तो ढाई और ढाई मिलकर पाँच फीट बनाते हैं लेकिन ये फाइव पॉइंट फाइव जब आप बाहर वाले एरियाज़ में जाते हैं आउटसाइड लाहौर तो ये फाइव पॉइंट फाइव भी हो जाती है तो डिपेंडिंग अपॉन आप किस एरिया में ये आपको इन्फॉर्मेशन आपका पटवारी प्रोवाइड करता है आ, क्योंकि ये लाहौर का है तो यहाँ पे एक करम जो है हम फाइव फीट के बराबर लेते हैं अगेन करम जो एक टर्म है दो कदम जब हम इकट्ठे मिलाते हैं तो वो एक करम बनता है अब ये हमारा खसरा जो है ये टोटल साइज़ हमें नज़र आ रहा है कि इतने बाई इतने करम है इसका एरिया अब हमारे पास ये खसरा प्लान मौजूद है सबसे पहले ये क्विकली हम स्केल कमांड जो कि थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे हम दोबारा ऑपरेट कर लेते हैं बहुत ही अच्छी तरह अब अगर आप नोट करें आप किसी भी नाउन लेंथ पे अब ये जो नज़र आ रहे हैं ये खसरा नंबर्स हैं ये जो अंदर आपको रेड में नजर आएंगे जब भी खसरा में और ये जो है ये डायमेंशन है ये अगर आप देखें तो ये तीस अरेबिक में ये आपका ये टेन तो अगर आप ऑलरेडी इन डिजिट से तो ये तीस है ये डिफरेंट टेन है ये कोई भी डायमेंशन लिखी हुई हैं और ये उसके खसरा नंबर है आप जब भी आपने बताना है तो आप बताएंगे कि ये जो है ये आपका खसरा नंबर है इस खसरा प्लान के अंदर सो अब अगर ये मैं नोट करता हूँ तो ये तीस करम है खसरा में जब भी हमने टर्म्स देखेंगे लिखी हुई हैं तो वो हमेशा करम के अंदर होती हैं तो ये हमारे पास लिखा हुआ है कि ये जो लाइन है ये तीस क्रम की है इसका मतलब है एक सौ पचास फीट यानी एक करम हमारा पाँच फीट के बराबर है अगर आप पाँच को मल्टीप्लाई कर दें विद तीस तो एक सौ पचास जवाब आता है इसका मतलब है मेरी लाइन एक सौ पचास फीट की है अब मैं इसको अगर मैयर करूँ डी एल आई मेरे पास लीनियर डायमेंशन तो मैं अगर फ़र्ज़ करें ये सेंटर ले लेता हूँ और ये सेंटर अगर आप नोट करें तो ये आ रहा है उनतीस फीट और नौ इंच लेकिन मुझे पता है कि मेरी जो ये लाइन है ये मैप की अगर मुताबिक देखें तो ये 150 फीट की है ये थोड़ी देर पहले जो हम स्केल का रेफरेंस देख रहे थे हम बहुत क्विकली से अभी अप्लाई करके भी देख लेते हैं तो आपको आसानी से समझ आएगा कि मेरी लेंथ टोटल होनी चाहिए तकरीबन 150 और अभी जो है वो आ रही है उनतीस और 9 तो मैं इसको रेफर करके स्केल को सही कर लेता हूँ एस अगेन एंटर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट आप पूरा ये खसरा प्लान की बाउंड्री सेलेक्ट कर लें और अब आप खसरा प्लान का कोई भी जो है कॉर्नर बेस पॉइंट ले लेते हैं अब अगर आप नोट करें तो मैं रेफरेंस पे क्लिक करता हूँ और अब मुझसे रेफरेंस लेंथ पूछ रहा है मुझे पता है वो मयर हुई हुई है वो है ट्वेंटी नाइन फीट और नाइन इंचिस इसको मैं एंटर करता हूँ अब वो मुझसे पूछ रहा है कि न्यू लेंथ कितनी देनी है तो न्यू लेंथ मुझे पता है कि मैंने देनी है वन फिफ्टी फ़ीट क्योंकि मेरी लाइन जो है वो ये टोटल वन फिफ्टी फ़ीट की होनी चाहिए अब अगर आप देखें और हम जाकर दोबारा उसको मैयर कर लेते हैं अगर यही जगह हमने मैयर की थी डी एल आई तो हम देखते हैं कि क्या उसने हमारा जो हमने टारगेट अचीव करना था वो हुआ या नहीं हुआ अब अगर आप नोट करें तो 151 क्योंकि शायद क्लिक कुछ इस तरफ हो गई होगी अब हम जो भी लाइन लगाएंगे वो एग्जैक्ट उतने की ही लगेगी जितने की वो खसरा पे है इसका मतलब है अब खसरा प्लान और हमारी जो लेंथ है वो ए लाइन हो चुकी हैं अब आसानी के साथ हम इस खसरा प्लान के स्केल के ऊपर काम करेंगे जो लाइन जितने लेंथ की खसरा प्लान में है उतने ही लेंथ की कैड में लगेगी क्विकली हम इसके डिजिटाइजेशन देखते हैं इसको हम जो है वो एल ए लेयर हम एंटर करते हैं और हम एक नई लेयर क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम हम रख देते हैं खसरा प्लान तो के एच ए एस आर ए खसरा और प्लान और इसको जो है हम यहाँ से करंट लेयर भी बना सकते हैं या अगर आप वापस आ जाएं तो हमारे पास एक खसरा प्लान की लेयर मौजूद है अभी जो हमारा खसरा प्लान है बाय डिफॉल्ट वो जीरो लेयर में है मैं यहाँ से इसे सिलेक्ट करता हूँ आप किसी भी साइड पे क्लिक करेंगे तो इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको खसरा प्लान के अंदर तो अब हमने क्या किया है अब हमने खसरा प्लान को जीरो लेयर से खसरा प्लान के लेयर में रख लिया है अब इसी के साथ हम एल ए एंटर करते हैं लेयर और यहाँ पर हम एक और लेयर बना लेते हैं जिसका नाम हम रखते हैं डिजिटाइजेशन जिसके अंदर अभी हम क्विकली जो है वो काम कर लेते हैं और ये हमारे पास डिजिटाइजेशन की लेयर है यहाँ पे जो है हम इसके साथ ये इसको करंट लेयर बना लेते हैं अब डिजिटाइजेशन क्या है ये मेरे पास लाइन है और मैं सबसे पहले एल एंटर और मैं ये स्टार्ट करता हूँ ये खसरा मैं इसको इस पॉइंट से शुरू कर लेता हूँ क्योंकि ये खसरा प्लान स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से ये और ये हमने जो है खसरा प्लान की बाउंड्री ड्रा कर ली है ये हमारे पास एक खसरा प्लान का एक्सटीरियर कॉर्नर है ये वाला और आप इसको जितना और प्रिसाइजली करेंगे ये और आसानी से हो सकता है आप चाहें तो आर्थो ऑफ भी कर सकते हैं अभी आर्थो ऑन है तो बाज़ दफ़ा ऑन अर्थ ऑन हो तो आपकी लाइंस तो ये जो है हम एंटर कर देते हैं तो ये हमने क्या किया है अभी हमने क्विकली अपने खसरा प्लान की बाउंड्री जो है वो ड्रा की है अब हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं अब आप वन बाई वन स्टार्ट कर दें लाइन्स लगाना फ़र्ज़ करें हम ये पहले ख़सरा की लाइन लगा लेते हैं यहाँ से जो है ये मेरे ख्याल में ये पॉइंट जो है अब हम यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप कमांड्स को इनको ऑफ करें और से हमारे पास ये जो पॉइंट है इसको हम पिक कर लेते हैं और आप अर्थ ऑफ भी कर सकते हैं इसको हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं और ये जो बढ़ेगा एरिया हम ट्रिम कर लेंगे बाद में इस तरह अब आप वन बाय वन लाइंस लगाना स्टार्ट करेंगे और आप पूरी ये लाइंस ड्रा कर लेंगे जितनी ये लाइंस जिस तरह ये स्क्वायर में नजर आ रहे हैं हम इसको कंप्लीट जो है वो स्क्वायर के अंदर लाइंस ड्रा करेंगे ये हमारी डिजिटाइजेशन हो जाएगी अब अगर हमने इस डिजिटाइजेशन को देखना हो तो हम लास्ट टॉपिक अपना कंक्लूड कर रहे हैं सो so, हम जो है इसको लेयर्स में आ जाते हैं एल ए आपके पास ऑप्शन मौजूद है यहाँ से भी आप जा सकते हैं एल ए एंटर हम जैसे लेयर्स में गए हैं हम यहाँ पे खसरा प्लान क्लियर को ऑफ कर देते हैं अब अगर आप देखें तो जो मैंने जब खसरा प्लान क्लियर को ऑफ़ किया तो जो काम इसके अंदर मैंने किया अभी क्योंकि मैंने जस्ट बाउंड्री और एक लाइन लगाई है तो वो नज़र आ रहे हैं और अगर आपने अभी काम किया होता तो अब आपने जो आपकी असाइनमेंट होगी इस टॉपिक के बाद ये खसरा प्लान आपके एल में मौजूद होगा आपने इस खसरा प्लान को अगर मैं ऑन कर लूँ दोबारा तो पूरी ये लाइन आपने एज़ इट इज़ ड्रा करनी है इसके बाद आप इस खसरा प्लान को यहाँ से ऑफ़ भी कर दें तो आपका पूरा एरिया जो है वो डिजिटाइज़ हो चुका है आप इसके अंदर काम कर सकते हैं और आप अपनी असाइनमेंट को आगे जो है वो बढ़ा सकते हैं इस तरह हम डिजिटाइजेशन कंप्लीट करेंगे इसको हम यहाँ से क्रॉस करते हैं और अगर हम चाहें तो हम इसको यहाँ से डिलीट भी अगर आप तो हम करना चाहें तो इसको हम सिंपली डिलीट भी कर सकते हैं तो ये हमारे पास हमारी लाइन जरिए वो मेजरमेंट है जो भी हमने ये मुकम्मल की है अब जो है हम इसके साथ पैरल लास्ट इसका जो है वो रिकवरिंग करप्ट फाइल फ़र्ज़ करिए मेरे पास कोई फाइल है इसमें कोई भी काम हुआ हुआ है और मैं इसको यहाँ से सेव एज कर लेता हूँ ताकि मेरे पास ये फाइल मौजूद रहे और यहाँ से हमारे पास सेव एज की ऑप्शन है हम इसको कहीं पे भी सेव कर सकते हैं सपोज़ हम ये आ, हमारे पास एल का जो फोल्डर है इसके अंदर हम खसरा प्लान के नाम से इस फाइल को सेव कर लेते हैं और ये मेरे पास फ़ाइल सेव हो चुकी है इसको यहाँ से सेव हम ऑफ कर देते हैं और हम जाकर दोबारा इस फ़ाइल को ऑन कर लेते हैं हमने जहाँ इसको सेव किया था ये फ़ोल्डर है मेरे पास और ये है फ़ाइल इसको मैंने यहाँ से किया ऑन और अब ये फ़ाइल ऑन होगी हम इसके अंदर थोड़ा सा कोई काम कर लेते हैं और इसके अंदर फ़र्ज़ करें मैंने कोई एक रेक्टेंगल और ड्रा कर ली और मैंने या कोई सर्कल और लगा लिया अब इसको हम कंट्रोल एस कर लेते हैं ताकि ये सेव हो जाए और हम इसको कर देते हैं यहाँ से बंद और फ़र्ज़ करें इसको हम यहाँ से कर देते हैं डिलीट कंट्रोल डी हमने किया है या आप राइट क्लिक करके अब क्या हुआ है कि मेरी फ़ाइल जो है वो ओरिजिनल डिलीट हो चुकी है ये मुझसे डिलीट बाय चांस हो गई है आपसे भी हो सकती है या फ़र्ज़ करें बज़ दफ़ा फाइल uh, करप्टी हो जाती है बहुत हैवी होकर सिस्टम अचानक शट डाउन होता है और आप फाइल पे क्लिक मल्टीपल मल्टीपल टाइम करते रहते हैं एक मैसेज आता है कि आप इस फ़ाइल को नहीं ओपन कर सकते क्योंकि दिस फाइल हैज़ बिन तो जब भी इस तरह का मामला हो फाइल डिलीट हो जाए करप्ट हो जाए आपने जहाँ पे वो फोल्डर आपकी फ़ाइल सेव थी आपने वहाँ पर आना है वहाँ पे उसी नाम से जो जिस नाम से वो फ़ाइल थी बस सिर्फ एक्सटेंशन चेंज होगी और वहां पे मौजूद होगा आप देखें खसरा प्लान नाम था तो खसरा प्लान डॉट बैकअप बी ए के बी ए के जो है ये बैकअप है अब हमने सिंपल करना ये है कि हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और इसको हम रीनेम करेंगे रीनेम में हम ये जो एक्सटेंशन है इसको बी ए के की जगह हम ऑटो कैड की एक्सटेंशन बना देंगे डॉट डी डब्ल्यू जी जो हमारी एक्सटेंशन है ड्रॉइंग की हम सिंपल हमने क्या किया है फाइल डिलीट हो चुकी है उसका बैकअप मौजूद है डॉट बी ए के की जगह हमने डॉट डी डब्ल्यू जी लिख दिया है जो कि हमारी ड्राइंग फाइल बन जाएगी आप इसको एंटर करते हैं एक मैसेज आएगा कि आप चेंज करना चाह रहे हैं आप यस कहते हैं तो आप नोट करें तो आपकी अगेन वो खसरा प्लान की फ़ाइल बन चुकी है आप इसके ऊपर अगर क्लिक करें तो ये दोबारा एग्जैक्टली वही फ़ाइल बन चुकी होगी जिस पे हम काम कर रहे थे तो इस तरह ये हमारी फ़ाइल जो है वो ऑलरेडी बन चुकी है तो इस तरह अगर आपकी फ़ाइल कभी करप्ट हो जाए तो आप अपनी फाइल को ईज़िली जो है वो दोबारा रिकवर कर सकते हैं जिस फाइल पर आप काम कर रहे थे तो इस टॉपिक के अंदर हमने देखा कि किस तरह खसरा प्लान को हम ऑटो कैड के अंदर लेकर आते हैं और हमने उसको वहाँ पे सबसे पहले स्केल्ड किया हमने स्केल को बराबर किया कि जो लाइन की लेंथ हमारी खसरा प्लान में है वो कैड में वही होनी चाहिए और इसके बाद हमने उसे डिजिटाइज़ करना भी देखा हमने आ, इसके अंदर क्योंकि ड्यू टू तो टाइम लिमिटेशन कुछ लाइन्स लगाईं आप इसको ख़ुद से पूरा डिजिटाइज़ कर सकते हैं और फिर आप हर खसरा का एरिया ख़ुद से फाइंड आउट कर सकते हैं बाउंड्री बनाकर एरिया की कमांड हमने ये भी ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हैं और फिर हमने करप्ट फाइल को रिकवर करने का मेथड देखा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे जाके हेवी प्रोजेक्ट्स में अक्सर व बेशतर ऐसा हो सकता है कि फाइल बाज़ करप्ट हो जाए उसकी बैकअप फाइल को हम एक्सटेंशन चेंज करेंगे तो वो ईज़ीली हमारी फाइल रिकवर हो जाएगी